अत्यंत आनंद का विषय है हम सबके लिए। हमारे अपने नेता जिनका हमने कई कई रूप में पार्टी के अंदर भी और सरकार के माध्यम से भी उनके अपनी कार्य क्षमता देखी, ऐसे यशस्वी हमारे नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार मानते हैं। ऐसी प्रकार के निर्णय से सामाजिक जीवन में साफ सुथरे और लंबा जीवन जीने वाले व्यक्तियों को एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी और हम सबके लिए आदर्श भी बनेंगे। खास करके उनके जीवन के विविध पड़ावों को हम जानते हैं। माननीय आडवाणी जी एक पत्रकार के रूप में भी उनने अपनी लंबी यात्रा निभाई है, तत्पश्चात राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते से प्रतिपक्ष में भी और आपातकाल के दरमियान भी वो संघर्ष के इस लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के एक बड़े अभियान को लेकर के भी जिस प्रकार से उनने हमारी जनभावनाओं का नेतृत्व किया था, ये आडवाणी जी का ही मार्गदर्शन है जिसके आधार पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। और हम सब जानते हैं कि आज जब राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो जनभावनाओं को सामने रख करके शांतिपूर्ण तरीके से समाज को कैसे साथ लिया जा सकता है, ये आडवाणी जी का बहुत अलग प्रकार का उदाहरण रहा है हमारे सबके सामने। मैं अपनी ओर से उनके यशस्वी भावी जीवन की भी और कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। गृहमंत्री के नाते से भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका हमारे सबके सामने निभाई थी। मैं एक बार फिर भारत रत्न देने पर अपनी ओर से मतलब सरकार की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ। श्रद्धेय आडवाणी जी एक व्यक्ति नहीं संस्था है। उनके जीवन का हर एक क्षण भारत माता के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है और पूरे देश को इस स्थान तक पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। सारा देश गदगद और प्रसन्न है कि आज उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आडवाणी जी का अभिनंदन और प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आभार हम जैसे कार्यकर्ता सब अत्यंत प्रसन्न हैं। सबसे पहले तो मैं आज ऐतिहासिक पल और क्षण हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, भारतवासियों के लिए, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार ने देश के हमारे लोकप्रिय नेता जिन्होंने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण को लगाकर ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से उनको बधाई शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार अभिनंदन भारत की सरकार का कि आज उनके नेतृत्व में एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है, इसके लिए बहुत बहुत उनका अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।